स्कॉडा और फोक्सवैगन की एक खासियत है, स्कॉडा और फोक्सवैगन में एक खासियत ये है कि इनका जो जो डैम्पिंग होती है वो आप इसमें बाहर से करा नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग है वो पहले से ही होती है इसके अंदर, जो गेट्स में इसके होती है। जब भी आप देखोगे इसके गेट में से कभी भी आपको हॉलो आवाज़ नहीं आएगी, इसके गेट में से बहुत ही स्टड आवाज़ आती है, जैसे स्टड जो आप समझते हो ना, जो स्टड आवाज़ होती है वो आती है। कैसे हैं मेरे भोपाल के दोस्तों, नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। तो स्वागत है हम लोग के नए ब्लॉग में जो कि ऑटोमोबाइल के बारे में, और हम लोग आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्हीकल पे आपको व्लॉग करवाएंगे और उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएंगे। उसका नाम है स्कॉडा कुशाक, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और एक तो बजट फ्रेंडली गाड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं अभी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं, बट उससे पहले ये नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं। तो गाइस फाइनली भोपाल के जो दोस्तों, आज मैं आया हूँ यहाँ पे स्कॉडा के शोरूम पे, और मेरे सामने खड़ी हुई है जर्मन व्हीकल कुशाक, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी, और जो कि इसके जो फीचर्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर लॉट्स ऑफ फीचर्स हैं जो कि स्कॉडा ने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया हुआ है अभी अपने आप को, और ये वैसे बजट फ्रेंडली गाड़ी है। जो भी मेरे दोस्त लोग मिनी एसयूवीज और ये सब कॉम्पैक्ट व्हीकल्स में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मैं आपको इसके एक बार टेस्ट ड्राइव लेके सारे स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ। तो वही अभी हम लोग खड़े हुए हैं स्कॉडा कुशाक के सामने, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और जो हम लोग के सामने जो वेरिएंट खड़ा हुआ है वो है 1.5 स्टाइल ऑटोमेटिक है, DSG 5 स्पीड ट्रांसमिशन है इसके अंदर, और इसमें 147 BHP का टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी, जिसमें कि एवरेज निकालती है 17 का, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है, और सिटी में एवरेज ये देखिए 16-15। आइए मैं आपको इस गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन और कूल फीचर्स मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के। तो गाइज़ अभी हम लोग बैठे हुए हैं टॉप वेरिएंट में, जो कि है 1.5 में, और आप इंटीरियर इसका देख सकते हैं कि इसके जो हार्ड प्लास्टिक्स हैं वो कितने अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के दिए हुए हैं, और इसमें जो कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है इंफोटेनमेंट के पूरा लगा हुआ, बहुत ज़्यादा क्लास फिनिश दे रहा है, और इसमें जो इन्होंने पियानो फिनिश में दिया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो स्कॉडा के एक नया जो शेयरिंग पे इन लोगों ने चेंजेस किया हुआ है, वो इन लोगों ने जो बीच का जो ये था इससे जो ग्रिप आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो देख सकते हैं गाइज इंटीरियर, और इतनी मतलब बजट फ्रेंडली गाड़ी में इन लोगों ने पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं। ये एक्चुअली मैनुअल वेरिएंट है, तो मैं आपको अभी ऑटोमेटिक में भी दिखाता हूँ कि उसमें कौन कौन से फीचर्स इन लोगों ने ऐड ऑन किए हुए हैं। और इस गाड़ी में गाइज सनरूफ भी दिया हुआ है, जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं। बाहर से भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इसमें डे टाइम रनिंग लाइट भी हुई है, और बहुत ज़्यादा कूल फीचर्स है, और इसमें जो फाइबर का काम हुआ है गाड़ी में बहुत ज़्यादा फिनिश लग रहा है इससे गाड़ी, और इसमें 17 इंचज़ के अलॉयज भी हुए हैं टॉप मॉडल में, और जो कि ये 1.5 वेरिएंट है स्टाइल। तो मैं आपको इसकी बूट स्पेस और दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बूट स्पेस बहुत सफिशिएंट है अभी। तो गाइस ये जो पीछे ये लाइट्स हैं यार, इससे तो प्यार ही हो गया है, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और इसका जो एक बहुत अच्छा कलर है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस ये जो कलर है ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बट ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है इनके यहाँ ये 1.0 में है, बट ये भी टॉप मॉडल ही है, बट ये मैनुअल है। तो गाइस ये भी स्कॉडा कुशाक, और आइए मैं इसकी आपको टेस्ट ड्राइव कराता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लोग कुशाक के अंदर हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर है कितना फिनिश्ड इंटीरियर है। वैसे जर्मन की एक बात तो है कि इनका जो इंटीरियर होता है और सब जो फिनिश है और जो इसकी क्वालिटी है
बहुत ज़्यादा, मतलब जो हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं ना वो भी यूज़ किए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पे इन लोगों ने कार्बन फाइबर का ये दिया हुआ है, इंफोटेनमेंट के जस्ट बाजू में पूरी कार्बन फाइबर और क्रोम से फिनिश दिया हुआ है। तो आइए मैं इसके आपको टेस्ट ड्राइव में बताता हूँ कि ये गाड़ी कैसी चलती है। कितना स्मूथ ये मतलब गाड़ी है, इसमें जो साउंड प्रूफिंग हुआ हुआ है। एक्चुअली स्कॉडा और फोक्सवैगन की एक खासियत है, स्कॉडा और फोक्सवैगन में एक खासियत ये है कि इनका जो जो डैम्पिंग होती है वो आप इसमें बाहर से करा नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग है वो पहले से ही होती है इसके अंदर, जो गेट्स में इसके होती है। जब भी आप देखोगे इसके गेट में से कभी भी आपको हॉलो आवाज़ नहीं आएगी, इसके गेट में से बहुत ही स्टड आवाज़ आती है, जैसे स्टड जो आप समझते हो ना, जो स्टड आवाज़ होती है वो आती है। मेरा भोपाल का जिससे जो दोस्त है या एमपी से कोई भी जो दोस्त है, इसकी जो प्राइसिंग रेंज आती है वो अराउंड 17 ऑन रोड आती है स्कॉडा से, जो इसका टॉप मॉडल है उसकी, और जो कि प्राइसिंग रेंज है मैं आपको शोरूम पे जाके पूरी सारी डिटेल्स के साथ मैं आपको और प्राइसिंग रेंज इसकी बता दूंगा कि कौन से वेरिएंट है इसमें। और ये आपको 80 के ऊपर नोटिफिकेशन देता है कि आप 80 का आपने क्रॉस कर दिया है। वैसे हम लोग तो इसको स्पीड में चला नहीं रहे, बट तब भी देख सकते हो कि ये मतलब फ्यूल रेंज भी दिखाती है यहाँ पे, और जो ये क्लस्टर है उसमें ये डिस्टेंस भी दिखा रही है कि अभी तक इसने मतलब अभी कितना मतलब रनिंग होगा इस गाड़ी का। और इसमें ऑडियो से आप जो भी रिलेटेड जो भी कर पाओ अभी इसमें लिखा रहा है, डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड राइट नाउ एंड व्हीकल स्टेटस फ्यूल रिफ्यूल ऑल द थिंग्स आर शोइंग इन योर क्लस्टर ओनली। बहुत ज़्यादा और फीचर्स भी हैं और इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता वरना मेरे पे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस इसीलिए मैं आपको साउंड नहीं दिखा सकता। एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, गाड़ी की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, बिकॉज एक तो इंजन स्कॉडा जर्मन व्हीकल और इनका जो सर्विस स्टेशन है, तो ये लोग अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी पर रख के ये सब चीज़ें करते हैं।